Hey everyone, Nazib this side from Team Daffodils and मेरे साथ है साहिल सिंगला जिनका कनाडा का वीजा आ चुका है। साहिल, सबसे पहली चीज कैसा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं मेरे दो रिफ्यूजल्स थे और दो रिफ्यूजल के बाद थर्ड टाइम मैंने अटेम्प्ट किया कि इस बार ये अटेम्प्ट करते हैं और मुझे मतलब ये था कि डेफोडिल्स पे पूरा भरोसा है कि ये इन्होंने अच्छी सर्विसेज दी हैं और हर चीज पूरी ट्रांसपेरेंट है। साहिल, सबसे पहली चीज डेफोडिल्स के बारे में कहां से पता चला? मैम, डेफोडिल्स के बारे में इंस्टाग्राम से पता लगा और जब इंस्टाग्राम से पता लगा तो मैंने आपको मैसेज किया था तो आपने फिर कोमल मैम का नंबर दिया तो कोमल मैम ने मुझे कन्विंस किया था कि हाँ आप यहाँ से लगवाओ, आप एक बार विजिट करो। तो विजिट के बाद फिर मुझे आगे एक्सपीरियंस हुआ। तो जब आपने विजिट किया था तो कैसा फील आया कि एकदम कि ये मेरा केस निकाल देंगे कि नहीं? क्योंकि मैम ये था कि मुझे एक चीज का ये था कि जैसे कि जो ट्रांसपेरेंसी है कि हर चीज में ट्रांसपेरेंसी थी कि जैसे कोई भी ऑफर लेटर आ रही है, कोई भी फी रिसिप्ट आ रही है, वो हर चीज में ट्रांसपेरेंसी थी कि मेरी प्रोसेस आगे कैसे चल रही है। ओके, आपको सब बताया जा रहा था। हाँ, आपको क्लियर था क्योंकि आईआरसीसी से मेल्स आ रही हैं, वीएफएस से मेल्स आ रही हैं, तो मुझे वो था, मुझे डाउट नहीं था कि मेरी फाइल कहीं खराब ना हो जाए दोबारा। ऑलराइट, ठीक है। एंड जैसे आपने बताया आपकी दो रिफ्यूजल्स थी, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या थी? हमें लास्ट क्वालिफिकेशन बीटेक थी 2017 में। उसके बाद मेरे पास 5 इयर्स एक्सपीरियंस है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। और आगे फिर आ जाते हैं मैनेजमेंट, तो उस चीज में हर चीज को मैनेज करना वो भी मैकेनिकल रिलेटेड ही है। तो उतना जितना आप पैसे लगा रहे हो उतना आपको आउटकम मिलेगा उससे जो कोर्स करने जा रहे हो? हाँ जी मैम, वो आउटकम तो मिलेगा क्योंकि एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग है और ऊपर से मुझे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया तो मुझे थोड़ा। तो जो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं तो इस कोर्स के बाद आपको जो आप प्लान कर रहे हो उतनी सैलरी आपको वेजेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ मैम, इसके वेजेस मुझे जहाँ तक मुझे लगेगा मुझे ट्रिपल वेजेस मिलेगा। ओके, क्योंकि एक तो फॉरेन का एक्सपीरियंस हो जाएगा और ऊपर से एनवायरनमेंट। ठीक है। एंड जैसे आपकी फाइल लगी एंड आपकी दो बारी रिफ्यूजल थी तो एसओपी असिस्टेंस आपको मिली डेफोडिल्स की तरफ से? हाँ जी मैम, मैंने एसओपी असिस्टेंस शाम सर से करवाई थी। और कैसी रही आपकी? उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी कि एसओपी के रिलेटेड, और जैसे कि मेरा कोर्स क्वालिटी एश्योरेंस था और उसको मैकेनिकल के साथ में रिलेटेड करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क लग रहा था मुझे, पर सर की एसओपी ने मतलब 21 डेज में वीजा आ गया मेरा। ओह वाओ, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है? फैमिली का रिएक्शन तो अच्छा है क्योंकि कि दो बार रिफ्यूजल के बाद थर्ड अटेम्प्ट करना और 21 डेज में रिजल्ट आना तो दैट्स अ गुड चांस। दैट आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि जब इसकी फाइल लगी और उसके बाद से मुझे बहुत तंग किया इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, ये मैसेज करा मैम मैम मेरा ये हो रहा है, मैम ये हो रहा है। एंड उसको एक चीज कहती थी कि साहिल भरोसा रख, हम पे ट्रस्ट अस, पॉजिटिव रहे एंड वीजा जरूर आएगा। एंड आई गेस माता रानी का नाम लेके इसका वीजा आ गया। तो हमारे व्यूअर्स को कोई एडवाइस देना चाहोगे आप? क्योंकि एडवाइस तो ये है कि डेफोडिल्स अब तक के तो बेस्ट कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पे और अपनी जो फाइल्स है वो यहीं से लगवाओ और 100% ट्रांसपेरेंसी है। तो 100% ट्रांसपेरेंसी अगर आप चाहते हो अपने केस में तो डेफोडिल्स लुधियाना जरूर विजिट करें क्योंकि यही है राइट चॉइस।